हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दौलत राम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन ओपन हो गए हैं 2022-23 सेशन के लिए। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो हम कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो नोटिस फॉर स्टूडेंट के सेक्शन में आपको फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन 2022-23 का लिंक मिलेगा। यहीं पर आपको 2022-23 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज की, वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे आपको अलग अलग लिंक्स मिलेंगे। पहले एक CFL रजिस्ट्रेशन नोटिस है, इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। 13 अगस्त को ये नोटिस आया है जिसमें बताया गया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन के लिए, वो 13 अगस्त से 31 अगस्त तक ओपन रहेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो बिलो गाइडलाइंस टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज। तो कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पर मेंशन है जहाँ पर आप अपना देख सकते हो कि किस तरह से सारा जो प्रोसीजर है वो चलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट वगैरह लिंक जो है वो भी यहाँ पर मेंशन है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, स्टूडेंट नीड टू विजिट द वेबसाइट अंडर स्टूडेंट नोटिस, जहाँ पर मैंने अभी आपको करके बताया था, और वहाँ जाकर आपको गूगल फॉर्म भरना होगा। अभी मैं आपको दिखा दूँगा कौन सा फॉर्म है। पेमेंट का लिंक भी यहाँ पर दे रखा है, इस लिंक पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नीचे आऊँगा मैं तो यहाँ पे ऑनलाइन फीस पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक सेशन, ये वही लिंक है फीस पेमेंट वाला, जो ईजी पे वाला जो लिंक है वही लिंक है। ये यहाँ जाकर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है, इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। अब बात ये आती है पेमेंट करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या रहेगा। तो अगला स्टेप पर जाने से पहले हम कोर्सेज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ लेते हैं। तो अगेन हम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम ये पेमेंट का लिंक था, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है सर्टिफिकेट कोर्सेज का, और ये वाला लिंक डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज का है, और ये हमारा प्रोस्पेक्टस है जिसको पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको सारी डिटेल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टाइमिंग्स लिखी हुई हैं कि सारी क्लासेज जो है 4:30 बजे होती हैं शाम को। ड्यूरेशन जो होता है वो 60 मिनट की एक क्लास होती है। ठीक है, एंड हेल्ड थ्राइस इन अ वीक ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन ईच। एडवांस डिप्लोमा क्लासेस आर हेल्ड 4 टाइम्स इन अ वीक ऑफ ईच ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। बेसिकली सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज की जो क्लासेस होती हैं हफ्ते में 3 दिन लगती हैं, और एडवांस डिप्लोमा की क्लासेस हफ्ते में 4 दिन लगती हैं। आपको 67% अटेंडेंस मैंडेटरी है तभी आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म आपको अलग से भरा जाता है, वो लिखा हुआ है। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी, 31 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, कुछ अगर आपकी क्वारीज हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गिवन है प्रोफेसर सविता राव रॉय मैम का, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस कॉलेज की सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है, जो हर साल मैं आपको बताता हूँ, कि दौलत राम कॉलेज वुमेंस कॉलेज है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेजेस के जो एडमिशन होते हैं इस कॉलेज में वो मैन और वुमेंस दोनों के लिए ओपन रहते हैं। तो बॉयज़ भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए, और गर्ल्स के लिए तो ऑब्वियसली ये कोर्स ओपन है ही। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। नंबर ऑफ़ सीट्स की इन्फॉर्मेशन है, 50 सीट्स हैं कॉलेज के अंदर, और कम से कम 20 स्टूडेंट का एडमिशन हो पर्टिकुलर कोर्स में तो ही वो बैच स्टार्ट करा जाता है। ठीक है, इसके बाद और जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कैंडिडेट अपने क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए। 45% आपको क्लास 12th में एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स पास आउट किया है कंसर्न लैंग्वेज में, वो डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं। और एडवांस डिप्लोमा के लिए ऐसे कैंडिडेट जो डिप्लोमा कोर्स कंसर्न लैंग्वेज में जिन्होंने पास आउट किया है वो एलिजिबल हैं। Those who pass in French, German, Italian, Spanish certificate diploma course from the institute other than Delhi University, gap year cases are required to clear the entrance test. इस पॉइंट का मतलब यह है कि आपने, अगर मान लीजिए डिप्लोमा कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आपने जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लाइक डिप्लोमा के लिए सर्टिफिकेट कोर्स और एडवांस डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा कोर्स, वो कोर्स आपने अगर DU के अलावा किसी और इंस्टीट्यूट से किया है, या फिर किया DU से ही है लेकिन एक साल का गैप आ गया, तो उस केस में आपको
एंट्रेंस के थ्रू यहाँ पे आना पड़ेगा। बाकी अगर आपका DU से है और कोई भी गैप ईयर नहीं है तो आप डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा में भी मेरिट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी मेरिट के थ्रू ही आपका एडमिशन रहेगा। ठीक है, 500 रुपये एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले जो बच्चे होंगे उनकी फ़ीस रहेगी। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट यानी कि इसकी फ़ोटोकॉपी करवाओ और सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर दो। और अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सर्टिफिकेट कोर्सेज का सर्टिफिकेट, और अगर आप एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा कोर्स की डिग्री आपको अपलोड करनी है। किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC तो उसका आपको अपलोड करना होगा। और बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, अगर आपका कोई लास्ट डिग्री आपने पास आउट करी हुई है वो भी आप अपलोड कर सकते हो, लाइक ग्रेजुएशन या PG, फोटोग्राफ और एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करना है। ठीक है, एडमिशन एज आई टोल्ड यू मेरिट बेस हैं सारे, और डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के लिए जो जिन बच्चों ने DU से नहीं करा या फिर DU से ही किया और गैप ईयर है तो उस केस में एंट्रेंस देना पड़ेगा। फीस डिटेल एक बार हम देख लेते हैं, 1000 रुपये डिडक्ट होंगे अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो 2 हफ्तों के अंदर, 2 हफ्ते के बाद एडमिशन कैंसिल करते हो तो कोई भी चीज़ रिफंड नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 रुपये है, ठीक है, और अगर आप एंट्रेंस थ्रू की कैटेगरी में आते हो तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। एडमिशन 17,000 रुपये फ़ीस है सभी लैंग्वेजेस के लिए, और 510 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस, तो टोटल 17,510। ठीक है, और इंटरनल इवोल्यूशन की फ़ीस 500 रुपये है, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस 500 रुपये है। इसका क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ कौन कौन एंट्रेंस के थ्रू आएगा। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट रुपीज़ 100 रुपीज़ है ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने DU के अलावा कहीं और से, तो DU के स्टूडेंट नहीं है बेसिकली। ठीक है, और भाई लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं ये भी देख लो, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। द कॉलेज ऑफर सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, चाइनीज, जापानीज और कोरियन। इन सभी लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके प्रोस्पेक्टस की और रजिस्ट्रेशन नोटिस की। अब देखो पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, इस फीस पेमेंट वाले लिंक पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। जैसे मान लीजिए आप सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए ये वाला लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। थोड़ा हम समझ लेते हैं कि यार इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। आप अपना ईमेल आईडी लिखोगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेड कर दी, हाँ जी यस करोगे, अपना नाम लिखोगे 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फादर नेम और मदर नेम भी मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखोगे, अपना नंबर लिखोगे आप, ठीक है, और ईमेल आईडी यहाँ पे दोबारा मांग रहा है तो दोबारा लिख दीजिएगा, एड्रेस लिख दीजिएगा, जेंडर जो भी आपका है मेल फीमेल या अदर वो चूज़ करोगे, कैटेगरी जो भी आपकी है, कैटेगरी अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, सेलेक्ट लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आपको अप्लाई करना है। आप इसमें मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, और अलग अलग फ़ीस भी ऑब्वियसली देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस चूज़ कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद मेंशन द बोर्ड थ्रू विच यू क्वालिफाई क्लास 12, किस बोर्ड से आपने क्लास 12 करी है, सिर्फ बोर्ड का नाम लिखना है, और किस ईयर में करी है वो लिखना है, और रोल नंबर लिखना है क्लास 12 का। मेंशन द परसेंटेज यू स्कोर्ड इन क्लास 12 बेस्ट फॉर 3 इलेक्टिव 1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट की परसेंटेज लिखनी है। अगर आपने एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ी है जो इलेक्टिव है आपकी क्लास 12 में तो उसको आप इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर कंसीडर करोगे, यानी कि मान लो आपने इंग्लिश कोर और हिंदी इलेक्टिव पढ़ी है तो आप दोनों उसमें इंक्लूड कर सकते हो बेस्ट फॉर में। अब इसके बाद क्लास 12 की मार्कशीट लगानी है आपको, क्या आप DU के स्टूडेंट हो तो येस करोगे, और अगर DU के स्टूडेंट हो तो कौन सा कोर्स कर रहे हो क्या है उसकी डिटेल लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर आप फर्निश करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको सबमिट करोगे तो जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी वो प्रोवाइड कर दीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा का फॉर्म है, इसको भी एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं। तो इसमें भी सारी लगभग सेम ही चीज़ें पूछी जाएंगी, बस इसमें यह है कि आपको अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, किस कॉलेज से कर रहा हो, दौलतराम कॉलेज से ही या फिर किसी और कॉलेज से ही। अब ये बात DU को भी मालूम है कि यार अभी इनके सर्टिफिकेट कोर्सेज का रिजल्ट नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए अवेटिंग का ऑप्शन है, आप अवेटिंग पे जाकर कर सकते हो। अगर आप डिक्लेयर्ड पे क्लिक करोगे तो परसेंटेज यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, अदरवाइज अवेटिंग पे क्लिक करोगे तो कोई भी परसेंटेज आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो,
किस ईयर में पास आउट करना है, आपको सारी डिटेल आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड मांग रहे हैं आपसे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी हैं वो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरने हैं सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के दौलतराम कॉलेजेस के। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।